रोजाना स्पोक्समैन देख रहे हो तुसी तां इस वक्त मौजूदा गुरु नानक हस्पताल के बाहर तस्वीरां तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं जिथे गोइंदवाल साहब की जेल के जिहड़े ने गैंगस्टर आपस में भिड़े सन। सिद्धू मूसे वाला कतलकांड के आरोपी गैंगस्टर आपस में भिड़े सन जिहड़े कि जिन्हां दे विचों केशव जख्मी हालत के अमृतसर हस्पताल लिया गया सी। हुण एक होर जिहड़ा गैंगस्टर आ उसनूं जिहड़ा अमृतसर लिया गया तुसी देख रहे हो तस्वीरां दे विच तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं गुरु नानक हस्पताल के बाहर दियां जिथे कि जिहड़ा होर जख्मी गैंगस्टर ने उन्हां नूं इस वक्त लिया गया तस्वीर तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं कि होर जख्मी गैंगस्टर जिहड़ा जिसनों पहला तरन तारण खड़ा गया उस तो बाद उतों फिर जिहड़ा रैफर कर दिता गया और इस वक्त अमृतसर हस्पताल के विच लिया गया इलाज के वास्ते। तस्वीर तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं गोइंदवाल साहब की जेल के विच बंद सिद्धू मूसे वाला कतलकांड के आरोपी गैंगस्टर जिहड़े आपस में भिड़ जाते हैं जिन्हां दे विचों बाद विच उन्हां नूं जख्मी हालत दे विच अमृतसर लिया गया। तस्वीर तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं इस वक्त की गल होई है वीरे नाम दस दो जी आपका। तस्वीर तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं इस वक्त तुसीं देख रहे हो कि जिहड़े दो होर जख्मी गैंगस्टर ने उन्हां नूं अमृतसर लिया गया तस्वीर जिहड़ियां तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं तुसीं देख रहे हो कि आपस में भिड़ जाते हैं 20 तो 25 गैंगस्टर जिहड़े ने एक बैरक दे विच बंद हुंदे ने जिहड़े आपस में भिड़ जाते उस तो बाद जिहड़े होर जख्मी होए ने उन्हां नूं अमृतसर के गुरु नानक हस्पताल के लै गए नाल सीनियर पुलिस अधिकारी मौजूद ने। मनमोहन मोहन की मौत हो चुकी है इस तों इलावा एक होर गैंगस्टर की मौत हुई है जिथे कि दो होर जख्मी जिहड़े गैंगस्टर ने उन्होंने इत्थे लिया गया है। तस्वीर जिहड़ियां तुहाडे नाल गुरु नानक हस्पताल तो सांझियां कर रहे हैं दो होर जख्मी गैंगस्टर जिहड़े ने इस वक्त गुरु नानक हस्पताल लिए गए हैं गोइंदवाल साहब की जेल के बंद सन। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड के आरोपी सन और इस वक्त इन्हों लैके आए हैं जिमें कि देख रहे हो तुम तस्वीर के पुलिस अधिकारी भी मौके पर नाल पहुँचे ने। तस्वीर तुहाडे नाल साझियां कर रहे हैं गुरु नानक हस्पताल तो जिथे कि तुम देख रहे हो इस वक्त कि जोड़े जख्मी गैंगस्टर से उन्होंने इस वक्त गुरु नानक हस्पताल के लैके आए हैं तस्वीर तुम्हें दिखा रहे हैं लगातार सिर्फ स्पोक्समैन टीवी के उपर गुरु नानक हस्पताल तो सीधी तस्वीर तुहाडे नाल साझियां कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड के आरोपी गैंगस्टर सन जिन्हों हूँ अमृतसर इलाज वास्ते रैफर किया गया तस्वीर तुहानू दिखा रहे हैं जिहड़े जख्मी गैंगस्टर से उन्होंने गुरु नानक हस्पताल में लिया गया भारी सुरक्षा बल जिहड़े नाल इस वक्त मौजूद ने तस्वीर तुहानू दिखा रहे हैं गुरु नानक हस्पताल तो सीधिया तस्वीर लाइव तस्वीर तुहाडे नाल साझियां कर रहे हैं। फिलहाल जख्मी गैंगस्टर जिहड़े ने लिए गए हैं और इस वक्त तस्वीर जिहड़ियां तुहाडे नाल साझियां कर रहे हैं सीनियर पुलिस अधिकारियों के नाल गलबात करन दी कोशिश भी करांगे पर इत्थे तुसीं देख रहे हो सीनियर पुलिस अधिकारी मौजूद ने। तस्वीर जिहड़ियां तुहाडे नाल इस वक्त साझियां कर रहे हैं दो गैंगस्टर जिहड़े ने होर लिए गए ने इस तों पहलां जिहड़ा केशव नाम के गैंगस्टर जिहड़ा इत्थे लिया गया सी और जिसकी हालत इतने गंभीर बनी हुई है ICU में उसनों जोड़ा वो भर्ती करवाया गया और फिलहाल दो गैंगस्टर होर गोइंदवाल जेल गोइंदवाल साहब की जेल तो लिया गए हैं जोड़े कि जख्मी हालत के और इन्हों की हालत भी इतने जी है गंभीर बनी हुई है। तस्वीर तुहाडे गुरु नानक हस्पताल तो सीधिया साझियां कर रहे हैं सिर्फ स्पोक्समैन के उपर लगातार तस्वीर तुहानू दिखा रहे हैं तुम देख रहे हो कि पुलिस के सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीर तुहानू दिखा रहे हैं गुरु नानक हस्पताल दी सिद्धू मूसेवाला कतलकांड के आरोपी जिहड़े गैंगस्टर से वो गोइंदवाल साहब जेल के बंद सन उन्हां दे विच आपस में झड़प हुंदी है और जख्मी हुंदे ने जिन्हां दे विचों दो गैंगस्टर की जिहड़ी मौत हो जाती है। हाँ अपने दर्शकों दस दिए कि मनमोहन मोहा मोहना और मनदीप तूफान की जिहड़ी मौत हो चुकी सी केशव नूं जख्मी हालत दे विच अमृतसर लिया गया सी हुण दो गैंगस्टर होर जिहड़े ने वह लिए गए हैं जिवें कि तस्वीर तुहानू दिखा रहे हैं इस वक्त सीनियर पुलिस अधिकारी जिहड़े ने इस वक्त पहुँचे हुए हैं सीधिया तस्वीर गुरु नानक हस्पताल तो साझियां कर रहे हैं जिवें कि तुसीं देख रहे हो हालत जिहड़ी है दोनों की गंभीर बनी हुई है और तस्वीर सीधिया तुहाडे नाल साझियां कर रहे हैं दो गैंगस्टर जिहड़े जख्मी हुए सी उन्हां नूं होर अमृतसर हस्पताल रैफर किया गया 20 तो 25 जिहड़े गैंगस्टर आ वो एक बैरक के बंद सन और सारे ही सिद्धू मूसेवाला कतलकांड के आरोपी सन आपस में भिड़ जाते हैं किसी मामूली गल्ल नूं लैके जिवें केशव ने पहला दस्सिया कि किसी मामूली गल्ल नूं लैके तकरार होई सी कोई गलत फहमी हो गई सी जिस दे चलदिआं इह झगड़ा होया सी और उस तो बाद जिहड़े ने
वह डंडिया सोटिया और राडा लोहे दिया राडा नाल एक दूजे ते हमला इन्हां वल्लों कर दिता जांदा और फिर जख्मी हो जाते हैं। जिस तों बाद हुण इलाज वास्ते अमृतसर हस्पताल इन्हां नूं लिआंदा गया गुरु नानक हस्पताल दे विच। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच इह सारे गैंगस्टर आरोपी हैं और गोइंदवाल जेल दे विच बंद ने। फिलहाल तस्वीरां जिहड़ियां तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हां सीनियर पुलिस अधिकारी जिहड़े मौजूद ने उन्हां दे नाल गलबात करन दी कोशिश भी करांगे कि आखिर किस नूं लै के झगड़ा है और किहड़े-किहड़े जिहड़े ने उह जख्मी होए ने गलबात कर लैंदे। यह मामला गोइंदवाल जेल के दो ग्रुपों की आपस लड़ाई हुई है जो पुरानी चलती आ रही है। एक लारस बिजनोई जग्गू भगवानपुरी ग्रुप इन्हों की पुरानी चलती है पुरानी तो बना बना के लड़े है पुरानी इन्हों की आपस लग रहा चलती आ रही है। इस बार जेल सुप्रिंट नहीं फिलहाल तीन फटड़ हो जो आप इतने लैके आए एक मनप्रीत भाऊ है एक अरशद खान है तीसरा केशव केश एक अलग अलग ने बहुत मल्टीपल काफ़ी मुकदमे शायद एक 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 बंदा है जेल दे ਇਹ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਲਏ ਜਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜੇ ਤਾਂ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਜਰਡ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਤਿੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਆ ਯਾਰ 20 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੀ।